1967 में इस स्कूल की शुरुआत जंगल ट्रेनिंग स्कूल के नाम पर हुई, जो आज भी अपने आप में मायने रखता है। हमारे हर तरफ कई किलोमीटर तक जंगल फैला हुआ है, जो उन जवानों के लिए क्लासरूम भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी। रहने से लेकर खाने पीने तक का सारा काम इन्हीं जंगलों में रहकर इन जवानों को सिखाया जाता है। बात काफी हद तक सही भी है कि फुटबॉल के मैदान में आप तैराकी नहीं सीख सकते, ठीक वैसे ही बिना जंगलों के गुरिला के दाव कैसे सीखेंगे। गुरिल्ले से गुरिल्ले की तरह लड़ो, यानी छुपकर वार करने वाले आतंकियों से आप आमने सामने की सीधी जंग नहीं लड़ सकते। वो कहीं भी हो सकते हैं, गांव वालों की भीड़ में या फिर शहर की सड़कों पर नजरें गड़ाए, ताकि मौका मिलते ही घात लगाकर हमला कर सके। नाकाम करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय जवाबी हथकंडे अपनाने के। बिल्कुल वैसी ही तैयारी, वैसी ही सोच और वैसा ही जानलेवा हमला। हमने 10 टेररिस्ट को मार गिराया था। उग्रवादी से तेज होना चाहिए, जो उग्रवादी हरकत करता है उससे 2 कदम आगे उसकी हरकत होनी चाहिए। अगर वो उसमें कामयाब होता है तो वो अपने को बचा सकता है और उग्रवादी को खत्म कर सकता है। गुरिल्ला वॉर में माहिर होने के लिए जवानों को आतंकी के तौर तरीके और हर चाल से भी वाकिफ होना होगा, तभी तो गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर की ये दौड़ भी एकदम अलग होती है। 8.9 किलोमीटर का रन है ये, और इसमें जो रास्ता है जब जंगलों में जाता है तब असली टेस्ट होता है आदमी का दौड़ने का। लेकिन रोड पर तो आसान लग रहा है क्या? ये तो हर जगह ऐसा ही दौड़ होता है। हर जगह ऐसा ही होता है, बट ये रोड अभी खत्म हो जाएगा 2 किलोमीटर के बाद। अच्छा, उसके बाद पूरा दौड़ कच्चे ट्रैक पे। मैं बहुत ऐसे दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन फिलहाल बाइक से आगे हूं और दौड़ने के साथ कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहां पर तो रास्ता बहुत सकरा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहां गिरने का भी खतरा है, देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। इतना ही इस बात का सुकून है कि मैंने 1.9 किलोमीटर का दौड़ पूरी की। यह अलग बात है कि ये लोग जो है दौड़ जो है 37 मिनट में पूरा करते हैं, और मैं शायद 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। जब सेना की कोई टुकड़ी जंगल में पेट्रोल करती है तो उस वक्त भी हमले की आशंका बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए ऑपरेशन की तरकीब और फायरिंग में महारत होनी चाहिए। एक्चुअली ये है कि जंगल के टेरेन में जब आप चलते हैं तो उस टाइम, क्योंकि जो जगह है काफी जंगली झाड़ियों से भरा हुआ है, इसलिए वो इलाके में नजदीकी टेररिस्ट हो सकता है। इसलिए किसी भी चलती हुई पेट्रोल को अमूमन चौकन्ना हर वक्त रहना चाहिए। पेट्रोलिंग के दौरान एक आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ब्लास्ट हुआ। ऐसी चीज़ें निरंतर टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के बरखिलाफ लगाते हैं, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअल्टी की जाओ। लेकिन इन घने जंगलों में ये कैसे पता चलेगा कि आतंकियों ने कहाँ पर आईईडी या विस्फोटक लगा रखे हैं, और अगर जान भी गए तो क्या करेंगे? हमारे लिए तो जंगल का मतलब मंगल होता है। पिकनिक मनाने के लिए हम लोग जंगल में आते हैं, लेकिन ये तो जंगल जैसा लग रहा है। यहाँ पिकनिक भी नहीं मनाया जा सकता, एकदम रास्ते पे फिसलन भरे हैं और जंगल एकदम बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। ये ऐसे वास्तविक हालात सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अमूमन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे इलाकों में ही ऑपरेशन करती है, क्योंकि टेररिस्ट भी अपने ठिकाने ऐसे ही इलाकों पर अमूमन बनाते हैं जहाँ नाला हो। ये अचानक अफरा तफरी, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर टेररिस्ट ने मल्टीपल डायरेक्शन से एम्बुश की कार्रवाई की है। टेररिस्ट ने 3 दिशाओं से, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगल लाइन में मूव करती हुई दिखती है, क्योंकि जाने का रास्ता केवल एक है।
लेकिन टेररिस्ट के लिए 3-4 जगह से वो इस सिक्योरिटी फोर्सेज के कॉलम को हमेशा एंगेज कर सकता है। फायरिंग के दौरान जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने सपोर्ट फायर के बाद टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश की या उन्हें भागते हुए टेररिस्ट को मारने की कोशिश की, तो अपनी जान बचाने के लिए टेररिस्ट इन नालों की मदद से, क्योंकि वो अक्सर इन नालों के सहारे ही हरकत करते हैं, तो इन नालों की मदद से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मरते दम तक सिक्योरिटी फोर्सेज को कैजुअल्टी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। जब तक जंगलों में आतंकियों के ठिकानों को तलाश कर उन्हें ठिकाने नहीं लगाया जाता, ऐसे ऑपरेशन का पूरा ताना बाना पार्टी कमांडर तैयार कर पूरे ट्रूप को ब्रीफ करता है।